हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली किचन में। आज हम बना रहे दम आलू। इसके लिए लिए हमने ये छोटे छोटे आलू, इसको बॉईल करके हमने इसका छिलका निकाल दिया। दो टमाटर का पेस्ट बना लिया हमने, दही और ये दो प्याज और चार पांच लहसुन की कलियां डाल के इसका पेस्ट बना लिया हमने। थोड़ा सा खोपरा भी डाला इसके अंदर। हरा धनिया और ये रेड चिली का पेस्ट बना लिया हमने। लहसुन की दो तीन कलियां इसके अंदर भी डालकर नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हींग, 1 चम्मच मिर्च पाउडर और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। और ये सूखे मसाले में धनिया, जीरा, ये 2 मिर्च, कसूरी मेथी, ये 4-5 लौंग, इलायची, दालचीनी और ये हरी 2 इलायची। इसका हम पाउडर बना लेंगे तवे पे 2 मिनट भून के। और ये आलू को हमने इस तरह से फोक्स से इस तरह से किया है ताकि पूरा मसाला अंदर तक जाए। इस तरह से ये आलू को हम फ्राई कर लेंगे ना, तो हम पहले इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे और ये मिर्च पाउडर डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए गैस पे हमने कढ़ाई रख दी, कढ़ाई में तेल डाल दिया, गैस मीडियम फ्लेम पे हमारा। अब हम इसके अंदर डालेंगे आलू। आलू को हम फ्राई कर लेंगे। देखिए आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, हल्के हल्के हमने गोल्डन ब्राउन किए इसको। अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए हमने दूसरा पैन रख दिया गैस पे और वही वाला तेल हमने इसके अंदर डाला 5-6 चम्मच। अब थोड़ा सा जीरा डालेंगे हम और एक दालचीनी का टुकड़ा और इलायची। इसको भून लेते हैं 2 मिनट। ये 2 मिनट जीरे को हमने फ्राई कर लिया है। अब डालेंगे हम इसके अंदर ये प्याज और लहसुन और थोड़ा सा खोपरा डाला था हमने इसका पेस्ट। इसको भून लेते हैं 2 मिनट। ये देखिए 2 मिनट हमने भून लिया है और हमने इसके अंदर सूखा वाला खोपरा डाला है, इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा दम आलू का। अब डालेंगे हम ये मिर्च का पेस्ट, रेड चिली। 2 मिनट भून लिया हमने। अब डालेंगे ये टमाटर का पेस्ट बना लिया था हमने इस तरह। गैस हमने मीडियम फ्लेम पे ही रखा है। देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब डालेंगे हल्दी पाउडर। ये हल्दी पाउडर डाल दिया हमने। अब डालेंगे सूखे मसाले का पाउडर बना लिया हमने इस तरह से। नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हींग डालेंगे। अब डालेंगे हम दही।
अब डालेंगे हम पानी। आधा कप पानी डाल देते हैं। और इसको हम ढककर पकने देंगे 10 मिनट। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं हमारे मसालों को पकते हुए, स्लो फ्लेम पे ही पकाया है हमने। अब हम इसके अंदर डालेंगे आलू जो फ्राई करके रखे थे हमने। अच्छे से मिला देंगे मसालों में आलू को। हरा धनिया डालेंगे, कसूरी मेथी थोड़ी सी क्रश करके डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसको 5 मिनट पकने देते हैं। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब हम गैस बंद कर देंगे और आपको सर्व करके दिखाएंगे। ये लीजिए बनकर तैयार है दम आलू। आप जब भी बनाएं दम आलू तो छोटे आलू के ही बनाएं, वो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। और मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है।